हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरिम बेल क्या होती है, ये कैसे मिलती है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप लोगों तक उसका तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरिम बेल जिसका लॉ में कहीं पे भी कोई प्रोविजन नहीं किया गया, यानी कि ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, इंटरिम बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन जब किसी क्राइम में किसी आरोपी को अरेस्ट किया जाता है और पेश किया जाता है, या फिर तो उस समय क्या है कि वो जो आरोपी है वो सीआरपीसी के सेक्शन 437 के तहत रेगुलर बेल लगाता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि उसके पास पर्याप्त जो सबूत है वो नहीं होते, यानी कि प्रॉपर एविडेंस नहीं होते अपने को बेगुनाह साबित करने के। तो ऐसे में क्या है कि वो रिक्वेस्ट की जाती है उसके लिए कि हमें अपना जो प्रूफ है वो पेश करने का मौका दिया जाए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने का एक मौका दिया जाए, ये रिक्वेस्ट की जाती है। तो उस समय क्या है, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो मजिस्ट्रेट साहब है उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, उनके विवेक पर डिपेंड करता है और उन्हें लगता है कि हाँ है निर्दोष लेकिन प्रूफ नहीं है तो उसे एक मौका दिया जाना चाहिए। तब क्या है कि जज साहब उसे 10 या 15 दिन का टाइम दे देते हैं, यानी कि उसकी अरेस्ट पे स्टे लगा देते हैं ताकि वो अपने केस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स प्रूव कर सके, पेश कर सके। तो इसे इंटरिम बेल कहा जाता है, अदरवाइज लॉ में इंटरिम बेल का कहीं पे भी कोई प्रोविजन नहीं है, किसी प्रोविजन के तहत इंटरिम बेल फाइल नहीं की जाती, यही इंटरिम बेल होती है जो जज साहब पे डिपेंड होती है। तो दोस्तों, ऐसी और कानूनी जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।